हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि होने वाला है पोको M2 Pro। एंड गाइज, ये स्मार्टफोन आपको जल्दी ही इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस साल के मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन्स की, तो उसमें पोको M2 Pro का नाम आता है। एंड काफ़ी टाइम से पोको अपने इस स्मार्टफोन को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर ऑनलाइन टीज कर रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब इसकी लॉन्च डेट आ चुकी है एंड 7 जुलाई को ये फ़ोन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और गाइज, इसके अलावा इसके कुछ ऑफिशियल डिटेल्स भी आई है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिए। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जुनैद भलीम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी टेक वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, पोको शाओमी का एक सब ब्रांड है और पोको में आपको दो सीरीज़ देखने को मिल जाती है, पोको एक्स सीरीज़ एंड पोको एफ सीरीज़। एंड इन दोनों ही सीरीज़ में आपको मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। बट गाइस, जिन कस्टमर्स का बजट 15,000 की रेंज में आता है, एंड उन कस्टमर्स के लिए पोको बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन लाने वाला है। और ये स्मार्टफोन होंगे पोको की एम सीरीज से। यहाँ पे आपको पहला फ़ोन देखने को मिलेगा पोको M2 Pro। और गाइस, रिसेंटली पोको M2 Pro का टीज़र आया था, वहाँ पे आपको इसका बैक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। एंड जैसे कि आपको पता है, रेडमी ने अपने 10X सीरीज़ को चाइना में लॉन्च किया था, वैसे डिज़ाइन आपको पोको M2 Pro में देखने को मिलेगा। सो अगर डिज़ाइन वाइज बात करें, तो इसका डिज़ाइन आपको काइंड ऑफ रेडमी 10X जैसा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें प्रोसेसर की, तो Redmi 10X में आपको Dimensity 820 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। बट गाइस, Poco M2 Pro 4G सपोर्ट के साथ आएगा, तो इसमें आपको Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली आपको Redmi Note 9 सीरीज में देखने को मिला था। सो परफॉर्मेंस वाइज इस फोन में आपको काइंड ऑफ सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी Redmi Note 9 की जैसे। और यहाँ पे भी आपको 4GB एंड 6GB रैम वेरियंट एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, पोको M2 Pro परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें आप गेमिंग, मल्टीटास्किंग वगैरह काफ़ी इजीली कर पाएंगे, बिकॉज इसमें आपको एक पावरफुल चिपसेट दिया गया है, स्नैपड्रैगन 720G, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है। एंड गाइज, आप बात करते हैं इसके कैमरास की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, उसी के साथ आपको एक अल्ट्रा वाइड मैक्रो लेंस एंड एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। एंड गाइज, इसके फ्रंट कैमरा की बात करें, तो ये कन्फर्म नहीं है कि इसमें आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा पंच होल डिज़ाइन के साथ। एंड गाइज, अगर आप बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जो कि सेम डिस्प्ले आपको Redmi Note 9 Pro Max में देखने को मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये भी रूमर्स है कि इसमें आपको AMOLED पैनल भी देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस यही है कि इसमें आपको LCD पैनल ही मिलेगा। एंड गाइस, बैटरी की बात करें, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। एंड वहीं पे रूमर्स है कि इसमें आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। एंड इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर की बात करें, तो इसमें आपको पोको लॉन्चर देखने को मिल जाएगा, एंड इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ एंड्रॉयड 10 के साथ ये फ़ोन आने वाला है, तो इसकी परफॉर्मेंस एंड यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी स्मूथ होने वाला है। एंड गाइस, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फ़ोन एक रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है रेडमी नोट 9 प्रो का, जो कि आपको पोको M2 Pro के नाम से देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है, तो पोको फैंस के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगा, बिकॉज इसमें आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। एंड गाइस, 7 जुलाई को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, एंड इसकी प्राइस 15,000 के अराउंड होने वाली है। और अगर आप इस फ़ोन का वेट कर रहे हैं, तो आपको अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये फ़ोन जल्दी मार्केट में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप इस फ़ोन का वेट कर रहे थे, कि आप ये फ़ोन परचेस करने वाले हैं। एंड इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन, कोई ओपिनियन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जुनैद भलीम सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे टेक वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।